हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेंटीपेटल एक्सेलरेशन। देखो, एक्सेलरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सेलरेट मींस जब वेलोसिटी चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की, तब हम ये कह देते हैं कि ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है, सेंटीपेटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब आता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लेंगे कोई भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, वो मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ। किसके ऊपर मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, विद कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ। स्पीड है वो उसकी कॉन्स्टेंट है, लेकिन जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और कोई भी ऑब्जेक्ट है जब इस तरह से सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है, तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। और जो टेंजेंट है एट एवरी पॉइंट के ऊपर, वो उसकी डायरेक्शन है वो चेंज होती रहेगी। जैसे कि मान लीजिए एक कोई भी ऑब्जेक्ट था, उसको यहाँ पे छोड़ा तो ऐसे एक्सेलरेट कर जाएगा वो, मीन्स इस तरह से वो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको, जैसे मान लीजिए एक स्टोन से ही हम एक स्टोन को एक रस्सी से बांध लिया, उसको ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, यहाँ छोड़ेंगे तो ऐसे गिर जाएगा, इधर छोड़ेंगे तो वो ऐसे गिर जाएगा, यहाँ छोड़ेंगे तो उसकी ये डायरेक्शन होगी। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट दैट पॉइंट। और यहाँ जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तब भी जो वेलोसिटी वेक्टर है वो एवरी पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। और जब वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम क्या कह देते हैं, एक्सेलरेट बोल देते हैं, कि वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट। लेकिन अगर एक सर्कुलर पाथ के अंदर एक्सेलरेशन है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंटीपेटल एक्सेलरेशन कहते हैं। मींस इसमें हम किस तरह से लिख देंगे कि व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, मूव्स ऑन ए सर्कुलर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ कह दे, या जनरली क्या कह देंगे, सर्कुलर पाथ विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड। स्पीड है वो क्या है, उसकी कॉन्स्टेंट। Then velocity changes with respect to time, या velocity vector है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर direction है ना, और velocity कैसी quantity होती है, vector quantity होती है। Then velocity changes with respect to time, with respect to time, time के respect में velocity है वो क्या हो रही है, change with respect to time। और जो velocity change हो रही है, it means object क्या कर रहा है, accelerate कर रहा है। और एक जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का ऑन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ, उसको हम क्या कह देते हैं, सेंटीपेटल एक्सेलरेशन कह देते हैं। समझ आया बेटा, क्या कहेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ, मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ, देन इट इज नोन एज, उसी को हम क्या कह देंगे, सेंटीपेटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। समझ आया कि एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का, लेकिन वो किसके ऊपर है, एक सर्कुलर पाथ के ऊपर है। तो एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ, या एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अकाउंट ऑन यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ, देन इट इज नोन एज सेंटीपेटल एक्सेलरेशन। तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंटीपेटल एक्सेलरेशन। अब ये जो सेंटीपेटल एक्सेलरेशन है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मींस वो किसके इक्वल हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इसका फॉर्मूला, कि फॉर्मूला फॉर सेंटीपेटल एक्सेलरेशन। तो देखो, फॉर्मूले के लिए बिल्कुल सेम इसी तरह से कि कोई भी ऑब्जेक्ट था, वो एक कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है ऑन ए सर्कुलर पाथ के ऊपर, और वेलोसिटी है वो हर एक इंस्टेंट के ऊपर चेंज होती जा रही है। क्योंकि देखो, ये आपके पास इस तरह से ना, एक स्टोन है, रस्सी से बांध लिया, उसको इस तरह से घुमाते हैं, ऐसे छोड़ते हैं तो ऐसे गिर जाता है, यहाँ पर पोजीशन ऐसे यू लेते हैं तो इस तरह से गिर जाता है। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन, और वो जो टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन है, वो किसकी डायरेक्शन दे रहा है, ये वेलोसिटी वेक्टर की। और जब एक्सेलरेशन होता ही क्या है हमारे पास, कि जब वेलोसिटी चेंज हो रही होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम क्या कह देते हैं, एक्सेलरेशन कह देते हैं। बिल्कुल सिंपल सा एक्सप्रेशन है। देखो, इसके एक्सप्रेशन के लिए मान लेंगे कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसको हमने कितना मान लिया, v1 मान लिया। इस वेलोसिटी को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, v2 से रिप्रेजेंट कर दिया। ये कोई भी
जैसे कि ऑब्जेक्ट था उसकी पोजीशन पहले स्टार्टिंग में यहाँ थी, पोजीशन वेक्टर है वो हमने कितना मान लिया आर वन मान लिया। आफ्टर सम टाइम पॉइंट यहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। आफ्टर सम टाइम मीन्स स्मॉल टाइम के बाद में, एट टाइम टी के ऊपर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो हमारे पास कहाँ है, पी के ऊपर। एट टाइम टी द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट पी। आफ्टर सम टाइम टी प्लस डी टी मीन्स वेरी शॉर्ट टाइम के ऊपर द ऑब्जेक्ट इज रीचेज एट पॉइंट क्यू हैविंग पोजीशन वेक्टर। इस यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने कितना ले लिया, आर टू ले। समझ में आ गया होगा बेटा। अब देखो जो पोजीशन वेक्टर आपको समझा दिया था, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब यहाँ पर देखो जब ये भी आपको समझाया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जब सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है तो डिस्प्लेसमेंट की बजाय क्या होती है हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में देखो स्मॉल टाइम की बात कर रहे हैं, तो जब स्मॉल टाइम की बात कर रहे हैं तो एंगल है वो भी हमारे पास क्या रहेगा, स्मॉल ही रहेगा। ये तो थोड़ा सा हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए लिया है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डेल थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मान लेंगे जैसे कि इसकी कुछ भी पोजीशन मान ली, जैसे ये पॉइंट बी ले लिया था, इसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। अभी हमें इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है कि एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल होता है। तो इसके लिए देखो हम थोड़ा सा यहाँ पर हमारे पास क्या है कि अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, देखो डायरेक्शन ही तो चेंज हो रही है, अगर इन मैग्नीट्यूड की बात करें मीन्स हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो पी ए यहाँ से ये जो पी ए और ये हमारे पास क्या है क्यू बी, तो जो पी ए अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, एक पी ए है, दूसरा हमारे पास जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है क्यू बी, तो ये मैग्नीट्यूड में दोनों की वैल्यू है वो हमारे पास क्या रहेगी, इक्वली रहेगी ना, बट डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज, क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी हमने क्या कहा कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन एवरी पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही है। और जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इट मीन्स वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहां से हम क्या लिख देंगे कि पी ए क्यू बी है वो हमारे पास इक्वल है, और उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, बी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर मान के ये जो हमारे पास एंगल होता है, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट है जब सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, और एंगुलर जब डिस्प्लेसमेंट हो हमारे पास तो हम किसकी बात करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। और यह भी आपको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो थोड़ा सा इसके फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए थोड़ा सा हम सिंपलिसिटी के लिए क्या ले लेते हैं, देखो बेटा ये जितना पी ए था ना उतना ही हमने यहाँ ले लिया, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया पी ए डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। जितना ये हमारे पास क्यू भी है ना उतना ही हमने ये ले लिया, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, पी बी डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। मीन्स इस पॉइंट को यहाँ ले लिया आगे तक, देखो इस तरह से ले लिया, इस क्यू को यहाँ पॉइंट पी के ऊपर ले लिया। थोड़ा सा फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए मीन्स सिंपलिसिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन है वो ड्राइव करना है ना, तो यहाँ इस एंगल को हम क्या ले लेंगे, कोई भी एंगल थीटा ले लेंगे, क्योंकि एंगल हमारे पास क्या होता है, आर्क बाई रेडियस होता है। समझ में आ गया होगा आपको ये। तो देखो इसको इससे मिलाते हैं, तो अभी हमारे पास क्या था कि ये जो पी ए लिया है ना इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, बी वन से रिप्रेजेंट कर रखा है, और ये जो क्यू बी के सिमिलरली लिया है, जितना क्यू बी था उतना ही हमने क्या लिया है, पी बी डैश लिया है, और इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, वी टू से रिप्रेजेंट किया। और एंगल हमारे पास क्या होता है, आर्क बाई रेडियस होती है। तो ये आर्क हम कैसे निकालेंगे, आप ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। थोड़ा सा समझने का है बेटा, बस बिल्कुल इजी है वैसे तो। देखो ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, तो ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो क्या लिख देंगे, पी ए डैश प्लस ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, पी बी डैश। हमें क्या चाहिए, ए डैश बी डैश चाहिए ना, तो यहां से ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी बी डैश माइनस पी ए डैश ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी बी डैश है वो हमारे पास किसके इक्वल है, बी टू के इक्वल, और पी ए डैश है वो हमारे पास किसके इक्वल है, बी वन के इक्वल। और ये हमारे पास क्या है, चेंज इन वेलोसिटी तो है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, चेंज इन वेलोसिटी लिख देते हैं। और जो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है,
मीन्स जो पोजिशन है, जैसे इन मैग्नीट्यूड में अभी भी आपको बताया कि दोनों की वैल्यू क्या है, स्मॉल ही है, और स्मॉल टाइम के बाद में ही पोजिशन पॉइंट की ये हुई थी, तो एंगल भी हमने क्या ले लिया, स्मॉल ही ले लिया। अभी आपको बताया था कि जो एंगल होता है हमारे पास वो क्या होता है, आर्क बाई रेडियस होता है, और यहाँ पर जो एंगल है वो हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, डैश थीटा से। आर्क हमारे पास क्या है, ए डैश बी डैश है, और रेडियस के लिए हम कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, पी ए डैश भी ले सकते हैं या पी बी डैश भी ले सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड में जो ये दोनों की दोनों वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, इक्वल। तो हम यहाँ पर पी ए डैश भी ले सकते हैं और पी बी डैश भी ले सकते हैं, तो कोई भी ले लेना। तो डेल थीटा इज इक्वल, ए डैश बी डैश की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, डेल बी के इक्वल है, पी ए डैश, पी ए डैश। अगर इन मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो पी ए डैश पी बी डैश उन दोनों की वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल है, और जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, डेल बी से रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि हम जो वैल्यू है वो किस में ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड में ले लेते हैं। तो इसी को हमने क्या लिख दिया, डेल थीटा है उसको हमने क्या लिख दिया, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई पी डैश, ए डैश बी डैश की जगह हमने कितना लिख लिया, डेल बी। ठीक है बेटा, ए डैश बी डैश था वो हमारे पास किसके इक्वल है, वी टू माइनस वी वन, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डेल बी से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये हमारे पास एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है, तो रेडियस को जनरली इन मैग्नीट्यूड में, क्योंकि रेडियस तो हमारे पास इक्वल होती है, चाहे हम ये वाले ले लें या ये वाले ले लें, तो इसको जनरली हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, वी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहां से देखो, डेल थीटा है वो किसके इक्वल है, ओमेगा डेल टी के इक्वल है, तो डेल थीटा की जगह हमने कितना पुट कर दिया, ओमेगा डेल टी इज इक्वल टू डेल वी डिवाइड बाई वी। समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां से इसको इधर ले जाएं, v ओमेगा इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी, और वेलोसिटी बाय टाइम मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो v ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, एक्सेलरेशन, और कौन सा एक्सेलरेशन आया है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को हम किसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ए सी से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहां से जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आया है हमारे पास वो किसके इक्वल आ गया, वी ओमेगा के इक्वल आ गया, और वी इज इक्वल टू कितना होता है, आर ओमेगा होता है। तो हम देखो यहां पर जितने चाहो उस टाइप से इसको लिख सकते हो, यहां पर जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आया वो हमारे पास क्या आया, वी ओमेगा आया। इसको देखो हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी ओमेगा, v इक्वल टू कितना होता है, r ओमेगा, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसी को हम ये भी लिख देंगे, v की जगह कितना लिख दिया, r ओमेगा लिख दिया। ठीक है बेटा, या ओमेगा की जगह हम कितना पुट कर देंगे, v बाई r भी पुट कर देंगे। तो दूसरा फॉर्मूला ये भी बन सकता है, ओमेगा की जगह कितना पुट कर दिया, v बाई r पुट कर दिया, तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, v स्क्वायर बाई r, और इसी का हम यूज करेंगे, क्योंकि हम पढ़ेंगे आगे सेंटीपिटल फोर्स, और फोर्स हमारे पास क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सेंटीपिटल फोर्स के लिए हम सीधा यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एम वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमारे पास किसके इक्वल है, वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल, और मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेंटीपिटल जो एक्सेलरेशन, सॉरी जो सेंटीपिटल फोर्स है, सेंटीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। थोड़ा सा समझने का बेटा, वीडियो को दोबारा आप देख लेना एक बार, क्योंकि यही लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें अजम्पशंस से ले रखी है, जैसे कि इसमें एक तो ये ले रखा है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है, ये सबको पता है, लेकिन रेडियस में देखो ये दोनों वैल्यू इक्वल ही है, और इन इक्वल वैल्यू को हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। बस थोड़ा सा यहां पर आपको समझना है कि दोनों ही वैल्यू इक्वल थी, तो इसलिए v1 v2 को जनरली v पुट कर दिया ओनली। बस उसके बाद में आपके पास आगे पता ही है कि जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, और एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी है, तो बस आगे ओनली ये पुट किया है। तो यहां से जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या आ गया, v ओमेगा, यहाँ v को r ओमेगा पुट कर सकते हैं, तो दूसरा फॉर्मूला ये बन जाएगा और तीसरा फॉर्मूला ये बन जाएगा, और इस फॉर्मूले का हम काफी ज्यादा यूज करेंगे, किसके फॉर्म में, सेंटीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स को हम लिखेंगे एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, कि जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन क्या होती है,
तो आपको ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीजों को समझने की जरूरत नहीं है, बस ओनली सिंपल है। आपको क्या ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ रटे नहीं मारना, कि सेंटीपीड में जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पार्ट, मीन्स किधर होती है, सेंटर की तरफ होती है। जैसे कि मान लीजिए एक स्टोन ही है, एक स्टोन को रस्सी से बांध लिया, जब तक हम फोर्स लगा रहे हैं तब तक तो ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन जैसे उसको छोड़ेंगे तो ऐसे टेंजेंशियली गिर जाएगा। तो आपके पास जो सेंटिपिटल फोर्स है उसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। जैसे कि आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा होगा एक 9th क्लास में, जो कि सेंटर से अभी होता है, जैसे कि मिक्सचर, ये जो हमारे पास दूध बिलोने के लिए हम जो मशीन का यूज करते हैं, वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो सेंटर से अभी लगता है, बाहर की तरफ लगता है। वॉशिंग मशीन होती है, क्रीम निकालने के लिए आपने पढ़ा होगा दूध में से जो क्रीम निकालते हैं, वहां पर वो भी किसके ऊपर एक्ट करती है, सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल होता है सेंटर से अवे, और सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो होता है सेंटर की तरफ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। तो ये हमारे पास क्या रहेगी, इसकी डायरेक्शन। एक चीज और समझने की है बच्चों, कि जैसे कि हमारे पास एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं, तो एक तो सेंटिपिटल एक्सेलरेशन, ये आपने समझ लिया अभी, सेंटिपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, कई फॉर्मूले आपने पढ़ लिया बेटा, वी ओमेगा है, दूसरा आपके पास क्या था, वी स्क्वायर बाई आर था, और एक जैसे कि वी की जगह हम आर ओमेगा पुट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इन टू आर था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, वी की जगह आर ओमेगा पुट करेंगे तो क्या आ गया था, ओमेगा स्क्वायर आर या आर ओमेगा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो टू टाइप की एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक होता है हमारे पास टेंजेंशियली एक्सेलरेशन और एक होता है सेंट्रीपिटल एक्शन। थोड़ा सा समझने का है, ज्यादा कुछ नहीं रटे मारना है इसमें भी। टेंजेंशियली एक्सेलरेशन, टेंजेंशियली एक्सेलरेशन क्या होता है, कि जो टेंजेंट एट एनी पॉइंट, जैसे कि जो टेंजेंट होता है, देखिए जस्ट एक आपके पास क्या है टेंजेंट, या जो एक पॉइंट के ऊपर टच करता है उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो टेंजेंशियली एक्सेलरेशन जो जनरली एक्सेलरेशन होता है, ए इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, आर अल्फा, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, या हम ये कह देंगे कि जो टेंजेंशियली एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड द टेंजेंट ऑफ सर्कुलर पाथ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियली एक्सेलरेशन कहते हैं। ए इक्वल टू आर अल्फा जो जनरली एक्सेलरेशन, ये हमने रिलेशन पढ़ा। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आपने पढ़ ही लिया, तो देखो आप, एक तो हमारे पास क्या है, टुवर्ड द टेंजेंट ऑफ सर्कुलर पाथ है, और एक टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ है, तो ये मीन्स दोनों के बीच में एंगल है वो कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया ना। तो अगर इनके रिजल्टेंट की अगर बात करें हम, जैसे कि ये तो हमारे पास क्या हो गया, आर अल्फा, और ये टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ है, इसकी वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, वी ओमेगा। देखो हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करके आपको समझाया है, मीन्स अगर इनके मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो दोनों कितने पे है, 90 डिग्री पे है। और जब भी हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो या तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को ए टी से रिप्रेजेंट कर दिया, तो हमारे पास क्या हुआ कि जो ए टी है और ए सी का स्क्वायर है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसको देगा, उसके रिजल्टेंट को देगा, ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, मींस ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा। जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए टी प्लस, जैसे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मॉडुलस लगा देंगे, तो ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए टी की वैल्यू कितनी है आर अल्फा, और ए सी की वैल्यू कितनी है, कोई भी फॉर्मूला लगा देने में से वी में। अगर मान लीजिए आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है तो फिर क्या रहेगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा। अगर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या रहेगा, टेंजेंशियली एक्सेलरेशन, और दोनों ही एक्ट करते हैं तो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो ये था हमारे पास इसका लास्ट टॉपिक, थोड़ा सा समझने का है तो वीडियो को आप एक दो बार देख लेना। वैसे इसका जो हम आगे यूज है तो वो इसका फॉर्मूला काफी ज्यादा यूज करेंगे, सेंटीपिटल फोर्स के रूप में भी यूज करेंगे, वैसे भी हमारे पास कई जगह आ सकता है, तो इसके ये हमारे पास इस तरह से हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा न्यूमेरिकल के लिए भी, और वैसे आगे जो फॉर्मूले होंगे उनको ड्राइव करने के लिए, तो ये इसको आप अच्छे से समझना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।